हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। इस 6 से 7 मिनट के महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर मैंने उन मेजर गलतियों के बारे में बात की है जो कि बच्चे जनरली पेपर के अंदर करके आते हैं। ये वो मेजर मिस्टेक्स है जो कि मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर करके आते हैं, जिसके कारण उनके अच्छे मार्क्स आ सकते थे लेकिन कुछ मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। भाई सीबीएसई के एग्जामिनर्स खुद ये कहते हैं कि भाई इन गलतियों को प्लीज मत करो, इट कॉस्ट यू मार्क्स। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैंने वो सारी गलतियों के बारे में बात की है जो कि हमें पेपर के अंदर अवॉइड करनी है। इस वीडियो के बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यार ये गलती तो मैं खुद कर रहा था, अच्छा ये गलती तो मैं खुद कर रहा था। इसलिए अपने जीवन में से 6 से 7 मिनट निकालो और इस वीडियो को दो, बिकॉज इसके अंदर जो भी मैंने मिस्टेक्स के बारे में बात की है ना, हमें उन्हें पेपर में किसी भी कीमत पर अवॉइड करना है। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, एक एक करके चलेंगे। तुमको पता है एक रूल है, मैं तुमको रूल पढ़ के बताता हूँ। बेसिकली क्या है, ऐसा है कि स्टूडेंट्स ऑफन रीराइट सर्टेन क्वेश्चंस, इन दैट केस दे मस्ट मेक श्योर दैट यू स्ट्राइक आउट द फर्स्ट आंसर। इफ दैट इजंट डन, सीबीएसई रूल्स आस्क एग्जामिनर्स टू एक्सेप्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इग्नोर द सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, बेसिकली देखो क्या है, इसका मतलब क्या है। एक बहुत सिंपल चीज है, मान लो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, ठीक है, तुमने इसका आंसर लिखा। अब तुम्हें लगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने गलत कर दिया। तुमने क्या किया, नीचे वापस से क्वेश्चन नंबर 3 लिखा और ये जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है। लेकिन अगर तुमने इस क्वेश्चन को कट नहीं मारा है तो ये वाला अटेम्प्ट काउंट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। इसलिए हमको किसी भी कीमत पर, अगर हम लोग गलत आंसर लिख रहे हैं उसके नीचे सही आंसर लिख रहे हैं, तो पहले गलत आंसर को कट मारो। एक नोटिसेबल कट दिखना चाहिए कि भाई मैंने इसको कट किया और नीचे करेक्ट आंसर लिखा है। सेकेंड बहुत ही मेजर मिस्टेक जो बच्चे आजकल करते हैं, और ये मिस्टेक मेरे टाइप से चलती आ रही है, मतलब हम भी मिस्टेक करते थे, वो ये है कि बच्चे समझते हैं साइंस मतलब न्यूमेरिकल्स। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे होंगे कुछ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे साइंस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, अपने गैप के दिनों के अंदर ना बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि यार न्यूमेरिकल्स कैसे भी करके आ जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। नहीं भाई, न्यूमेरिकल सिर्फ 2 चैप्टर से आते हैं, बाकी के जो 12 चैप्टर है ना वो थ्योरी वाले हैं, उन्हें पहले कंप्लीट करो। और साइंस के अंदर मतलब फिजिक्स के अंदर भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी थ्योरी है, लाइट के अंदर भी थ्योरी है, पहले थ्योरी पोर्शन तो करो ढंग से। अगर तुम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पीछे भागोगे ना, कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, बाकी के जो 60-70 नंबर है वो कहां से आएंगे, थ्योरी से आएंगे। ठीक है, थ्योरी करना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझो, डोंट नेग्लेक्ट थ्योरी फॉर न्यूमेरिकल्स। अगली गलती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब समझना कि ये नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीडिंग टाइम में स्ट्रैटेजी ना बनाना। बच्चे पता है क्या करते हैं, रीडिंग टाइम को बहुत लाइटली लेते हैं। नहीं, रीडिंग टाइम के अंदर आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी बना लेना है कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, किन क्वेश्चंस में मैं अटकूंगा, किन क्वेश्चंस को मुझे करना अच्छे से आता है। अगर आप ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी अपने पेपर के पहले बना लेते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए रीडिंग टाइम के जो 15 मिनट मिलते हैं, 10 से 15 मिनट जितने भी तुम यूटिलाइज कर रहे हो, उन सभी उस हर एक मिनट में तुम्हें ये चीज फॉलो करनी है कि भाई मैं पूरे पेपर को एनालाइज करके मेरी खुद की एक स्ट्रैटेजी बना लूं कि मुझे ये क्वेश्चंस पहले करने हैं, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आपके पास एक क्लियर कट प्लान रहता है, अंधा तीर पेपर के अंदर नहीं मानना है। ठीक है, जो तुम्हें सवाल आ रहे हैं पहले वो कर लेने हैं, क्योंकि पता है क्या होता है कभी कभी प्रेशर में, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 16 तुमको आता है, लेट अस सपोज, है ना, आता है, पर क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत आई, 4 में दिक्कत आई, 6 में दिक्कत आई, 16 तक पहुंचते पहुंचते 16 भी भूल जाओगे। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए तुमको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि जो सवाल पहले आते हैं वो कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सही नंबर डाल देना बस कि मैं क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट कर रहा हूं, उसका ए पार्ट, उसका बी पार्ट, उसका सी पार्ट, ठीक है बस। लेकिन ये रीडिंग टाइम में स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि मैं कब क्या करने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस डाउन। नेक्स्ट बहुत बड़ी मिस्टेक, स्पेंडिंग टाइम ऑन बेसिक क्वेश्चंस। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्या करेंगे ना, डेफिनेशन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि ये डेफिनेशन कर लो, वो डेफिनेशन कर लो, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लो। देखो तुम अगर सीबीएसई के प्रैक्टिस पेपर को खोल के देखोगे, सैंपल पेपर को खोल के देखोगे, बेसिक क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे गए हैं, होता ना इसकी डेफिनेशन बताओ, उसकी डेफिनेशन बताओ, ये बताओ, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, पहले ये चीज पूछी जाती थी। लेकिन अब देखो तुम्हें कहीं पर भी ना ऐसे बेसिक सवाल देखने को मिलेंगे ही नहीं, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड दीज बेसिक क्वेश्चंस। इसीलिए अपना बहुत ज्यादा समय इन बेसिक क्वेश्चंस पर प्लीज मत बर्बाद करो। ठीक है, डेफिनेशन पता है, देख ली है, अगर पेपर में आ जाता है गलती तो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, पर बेसिक क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा अपना समय वेस्ट अपने को नहीं करना है। इसी के साथ इसी में नेक्स्ट अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है,
वेरी 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 मेजर मिस्टेक इग्नोरिंग एक्टिविटीज। भाई अगर तुम पूरा सैंपल पेपर छान के देखोगे ना, तुम्हें केमिस्ट्री में बायोलॉजी में मैक्सिमम एक्टिविटीज ही दिखेंगी, या फिर तुम्हें पिक्चर बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। एक्टिविटीज हर चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि अब क्या है, सीबीएसई ने मतलब ऐसा एक पैटर्न निकाल रखा है कि अब हम लोग बच्चों से कॉम्पिटेंसी वाले सवाल पूछेंगे, थोड़े से ट्रिकी सवाल पूछेंगे, बराबर है। इसीलिए हमें एक्टिविटीज सही से आनी चाहिए। तुम देखो तुमको हर जगह देखने को मिलेंगे, ये देखो पिक्चर बेस्ड सवाल दे दिया, ये देखो एक्टिविटी पर सवाल दे दिया, है ना, ये देखो एक और एक्टिविटी पर सवाल दे दिया, ठीक है, ये देखो पिक्चर बेस्ड सवाल दे दिया, है ना। एमसीक्यूज में तुमको यही देखने को मिलेंगे जनरली, राइट। ये देखो पिक्चर बेस्ड सवाल फिर से दे दिया, एक्टिविटी बेस्ड सवाल दे दिया। क्या है ना कि एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि यहां पर पेपर दर्शाता है कि पेपर वॉन्ट्स प्रैक्टिकल नॉलेज फ्रॉम यू, ओके। इसीलिए मेक श्योर कि आप एक्टिविटीज मिस ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, नोट डाउन कर लो जो एक एक पॉइंट में तुमको बता रहा हूं। अब न्यूमेरिकल्स को इतना बदनाम नहीं करते, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे बात करता हूं मैं। आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सीबीएसई के एग्जामिनर से खुद बोलते हैं कि भाई हर एक चीज के नंबर हैं, आपको जो गिवन दिया गया है, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, इसके भी मार्क्स हैं, ठीक है, फॉर्मूला लिखो, राइट। आपको सवाल के बारे में जो कुछ भी पता है ना, सब लिखो। जैसे कि मान लो कि इस सवाल में एक सवाल दिया गया आपको न्यूमेरिकल वाला, उसके अंदर आपका पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट ये लिख के आओ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत सॉल्व करके आओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके फाइनल आंसर के मार्क्स हैं, नहीं, उसके मार्क्स हैं पर इसके मार्क्स भी हैं। अब तुम सोचो कि तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आता पर तुम्हें पता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बराबर है, वो पता होते हुए तुमने अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। वही अगर थोड़ा बहुत लिख दिया तो एटलीस्ट 0.5 तो मिलेगा, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया तो एटलीस्ट एक तो मिलेगा, अगर तीन नंबर का क्वेश्चन हुआ तो, सोचो, राइट। तो जीरो बेटर है कि एक बेटर है, एक बेटर है ना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन फॉर्मूला, है ना, और थोड़ी बहुत सॉल्विंग, ये हमें न्यूमेरिकल के अंदर करके आनी है, मतलब आनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको सवाल आता है नहीं आता है, ठीक है। अगर सवाल आता है तो आप फाइनल आंसर पर पहुंच जाओगे। यहां पर भी यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट के भी कुछ मार्क्स होते हैं, अगर यूनिट मिस हमने कर दी उसके भी नंबर कटते हैं। तो एक परफेक्ट न्यूमेरिकल का आंसर क्या होता है, जहां पर आप लोग गिवन लिखो, जहां पर आप लोग फॉर्मूला लिखो, जहां पर आप लोग सॉल्यूशन दो और फाइनल आंसर के बाद में यूनिट लगाओ, दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर अ न्यूमेरिकल, नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड एक और सवाल, मतलब एक और मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, लीविंग क्वेश्चंस। पता क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, क्वेश्चन छोड़ने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तुम्हें सवाल में कुछ आता हो ना आता हो, उससे रिलेटेड तुमको जो कुछ भी पता है ना, आंसर में लिख के आ जाओ। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, लेट अस सपोज तुमको नहीं पता फोटोसिंथेसिस क्या है ना, तुमको समझ में ही नहीं आ रहा क्या, बस इतना पता है कि प्लांट्स से रिलेटेड कुछ कुछ है, जो भी दिमाग में आ रहा है ना कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन प्लांट्स, इट हैपेंस इन प्लांट्स, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर प्लांट्स, जो तुमको लग रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, अगर सवाल नहीं आता तो लिख के आ जाओ, ठीक है। देखो क्या है, गलत आंसर लिखने की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऐसा नहीं कि तुमने गलत लिख दिया तो -2 हो जाएगा, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लिखने पर अगर गलती से कुछ सही हो जाता है तुक्के से तो एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा, सोचो। कुछ नहीं लिखने पर 0 मार्क्स मिलना है, और अगर कुछ लिखने पर गलत हो जाता है तो भी 0 मार्क्स मिलना है, लेकिन लिखने पर चांस तो है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप यहां पर कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओ। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। एग्जामिनर्स ये चीज कहते हैं कि बच्चे जनरली क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस आंसर के अंदर डाल दूं, जो मुझे पता है सब डाल दूं, 3 मार्क्स का सवाल है, 10-10 लाइन लिख के आ रहे हैं, नहीं, अपने को वर्ड लिमिट तक स्टिक रहना है, ठीक है, वर्ड लिमिट पर चिपके रहना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है चल जाता है वो, पर हमें वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के और फिर आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 3 मार्क के सवाल के लिए 5 मार्क वाले एफर्ट डाल रहा हूं और 5 मार्क वाले सवाल के लिए सिर्फ 2 मार्क्स वाले एफर्ट डाल रहा हूं, नहीं, वर्ड लिमिट पर बहुत ज्यादा सही तरीके से हमको स्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनर्स खुद ये कहते हैं, ये सभी जो मैं मिस्टेक्स तुमको बता रहा हूं ना, ये एग्जामिनर्स ने बता रखी हैं कि भाई ये गलतियां बच्चे करते हैं जनरली, जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, जिससे उनके मार्क्स जाते हैं। क्या होता है, देखो मान लो तुम्हारे 70 मार्क्स आ रहे थे, है ना, तुमने ये सारी गलतियां कर दी, तुम्हारे मार्क्स 0.5 एक कट के 60 पर पहुंच गए, गलती नहीं थी तुम्हारी, तुम्हें पता नहीं था कि ये गलतियां नहीं करनी होती है, 10 मार्क्स का नुकसान हो गया अपना, हुआ ना, सब कुछ आते हुए भी 10 मार्क्स का नुकसान हो गया,
सो विद दैट बीइंग सेड, ये सारी गलतियां हैं जो हमको अवॉइड करनी है एक एक करके पॉइंट वाइज, मैंने तुमको सब बताया है। अब तुम इन गलतियों को नोट डाउन करो एंड मेक श्योर कि बच्चों दो दिनों के अंदर यू प्रायोरिटाइज दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान। देखो मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे बहुत शानदार मार्क्स छोड़ के आओगे, किसी को 78 आ रहे होंगे, 76 आ रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो 76 से 67 हो जाए। क्यों? ये गलतियां कर दी हमने। अरे ये गलतियां पता होनी चाहिए अपने को कि अपने को नहीं करनी हो, और जितना शेयर कर सकते हो ना इस वीडियो को उतना करो, अपने दोस्तों के साथ में करो भाई, है ना, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चे इसके कारण भी पास नहीं हो पा रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो रह जाता ना कि अब एग्जामिनर को पता ही नहीं कि भाई मैं मार्क्स कहां दूं। बच्चे ने अटेम्प्ट किया 40 नंबर का, पर ये गलतियां भी कर दी, बराबर है। अब एग्जामिनर भी मजबूर है कि मैं इसको नंबर कहां दूं जो मैं इसको पास करूंगा, राइट। तो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। विद दैट बीइंग सेड, दिस इज अथर्व भैया साइनिंग ऑफ। अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। हमारी तबाही फैम जो है वो एक बहुत ही प्यारी सी कम्युनिटी है जो कि अभी सिर्फ 10th में नहीं तो 11th 12th में भी साथ रहने वाली है। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मेक श्योर तुम पेपर में फोड़ के आ जाओ, आग लगा देंगे, साथ में फोड़ेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, वर्चुअल जब भी।